we are going to find the determinant of a matrix. Remember, determinant is a unique value of a square matrix. तो डिटरमिनेंट सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में पॉसिबल होगा, ओके? एंड पहली स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो सकती है? आपको मालूम ऑर्डर वन, जिसमें एक ही एलिमेंट है, रो भी एक है, कॉलम भी एक ही, ओके? तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, व्हाट इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन? सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, ऑर्डर मीन्स, ऑर्डर वन मीन्स ओनली वन रो एंड वन कॉलम. सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर वन, है ना, वन इंटू वन की. तो इसके डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका ये एलिमेंट ही होगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इट इज रेडर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगेन आई एम रिप्लेसिंग इट इज इक्वल टू टू. तो ऑर्डर वन के केस में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट दैट एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. एंड व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू? तो पहला टॉपिक हो गया मैट्रिक्स ऑर्डर वन एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Determinant of matrix of order 2. Order 2 means square matrix of order 2. That means 2 into 2. Suppose एक example ले लेते हैं. Suppose A is the square matrix of order 2, having element 2, minus 1, 3 and 4. तो सबसे पहली बात इसको denote कैसे करेंगे? इसका लिखा जाएगा determinant of A. और you can write this. And element are enclosed using two bars, 3, 4. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? How to find the determinant value of square matrix of order 2? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा. 2 into 4, याद रखिए हमेशा ऑर्डर, पहले 2 into 4 लेंगे. 2 into 4 माइनस 3 into -1, ओके? ये माइनस डिटरमिनेंट की वैल्यू के फॉर्मूले के एक रूप में. इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम माइनस और कोफैक्टर्स की बात करेंगे. ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा मेथड जैसा है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, टू सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ओके? 2 into 4 दैट इज 8, 3 - 1 इज -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 3 इज 11. तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नथिंग बट 11. तो मेरा आंसर क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 11. ऑर्डर टू, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज दीज आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, हैविंग एलिमेंट 1 0 0 1. तो इसकी डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? अगेन डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय, और अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना होगा तो 1 0 0 1, और डिटरमिनेंट वैल्यू अगेन 1 into 1 माइनस 0 into 3. 1 into 1 1 - 0 is 1. तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. Remember, determinant is nothing but a unique value of a square matrix. तो square matrix of order 1 ले ली, determinant of square matrix of order 1, determinant of the matrix of order 2. And remember, again I am saying that determinant exists only in case of square matrix. और वो चीजें ये mod करके अब नहीं पढ़ा जाएगा. जब हम A matrix की बात कर रहे हैं तो it is read as determinant of A. तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट फर्क. मैट्रिक्स एलिमेंट आर एनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट एलिमेंट आर रिटन इन बिटवीन द बार्स. और डिटरमिनेंट एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो अब डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ओके स्टूडेंट?
we are going to find the determinant of matrix of order 3, that is square matrix of order 3, matlab 3 rows or 3 columns. Now determinant of matrix of order 3 is find out by 6 ways, by expanding along 3 rows or 3 columns. याद रखें, remember, ये इसकी R1 हो गई, ये इसकी R2 कहलाती है, ये इसकी R3 कहलाती है, ये C1 होगा, ये C2 होगा, ये C3. तो determinant of matrix of order 3 is find out by expanding the determinant along any 3 rows or 3 column. That is known as expansion of determinant of order 3. तो order 3 के determinant की value हम निकालेंगे expansion. यह expanding determinant along any one of the 3 rows or 3 column. Suppose मैं expanding determinant along R. तो आपको ये सीखना है expand कैसे किया जाता है determinant. फिर ये जो process जो कर रहे हैं, ये आगे चल के हम लोग जब माइनस और कोफैक्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में ये हो जाएगा. तो अभी तो सीखना है ये करते कैसे, ये निकालते कैसे. ऐसा क्यों हो रहा, जब इनके हम दो एक दो कांसेप्ट और सीख लेंगे माइनर कोफैक्टर, तो आपको ये नॉर्मली लगेगा, क्योंकि अपनी टेक्स्ट बुक में वो कांसेप्ट बाद में आता है, पहले एक्सपेंशन सिखाया गया. तो पहले ले लेते हैं एक्सपेंशन. नाउ हाउ आई विल एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग R1. R1 का एलिमेंट क्या है, 1 2 1. ओके, तो सिंपल सा गेम, ऐसा कुछ नहीं. एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट, एक्सपेंडिंग मैट्रिक्स ए. अब क्योंकि इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे, तो हम इसको पहले डिटरमिनेंट लेके लिखेंगे. डिटरमिनेंट ऑफ ए नाउ इट्स 2 1 3 1 2 and 2 1. अब हम बात करते हैं, अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें अलग अलग. सिंपल सा तरीका, अलग अलग एक्सपेंड करेंगे. पहली चीज, इस एलिमेंट के लिए साइन कन्वेंशन है, याद रखिएगा कैसे आया. ये जब हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पे आपको क्लियर और हो जाएगी. पर यहां पे एक साइन रूल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस. माइनस एंड प्लस आर अल्टरनेट, चाहे रो वाइज देखे चाहे कॉलम वाइज देखे. रो वाइज देखे, किसी भी रो वाइज में देखे तो माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहा है, किसी भी कॉलम वाइज देखे माइनस प्लस अल्टरनेट चल. ये माइनस प्लस कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब हम माइनस को फैक्टर पढ़ेंगे ना बहुत इजी लगेगा. पर अभी अपना फोकस क्या है, हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो ये साइन कन्वेंशन याद करने में कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस अल्टरनेट चलेंगे, पर स्टार्टिंग होगा अपना प्लस से. तो प्लस माइनस प्लस, अब प्लस आ गया तो नेक्स्ट माइनस आ गया, तो माइनस प्लस माइनस एंड माइनस आ गया तो प्लस आ गया, प्लस माइनस प्लस. तो आप देखेंगे किसी भी रोज या कॉलम के माइनस और प्लस साइन अल्टरनेट चलेंगे. अब कैसे एक्सपेंड किया जाएगा, एक्सपेंडिंग पहला एलिमेंट का साइन अपना लगेगा प्लस का, प्लस पहला एलिमेंट 1. अब ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में, उसको उसके बाकी चीजों को डिलीट कर देंगे. 1 के कॉलम वाले और रो वाले जो एलिमेंट है वो सब डिलीट हो गए. तो यहां पे एक डिटरमिनेंट आपको ऑर्डर 2 करने चला गया है ना. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर, जो दिखा वो आपकी ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट हो गए. और ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट वैल्यू हमने निकाल चुके हैं. ये तो हमने रो R1, क्योंकि R1 के एनालॉग एक्सपेंड कर R1 का पांच एलिमेंट. दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट का कन्वेंशन साइन आ रहा माइनस. क्यों हो रहा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा तो हैव पेशेंस. दूसरा एलिमेंट 2, आप देखें यहां ब्रैकेट लिख रहा हूं, क्योंकि ये एलिमेंट माइनस का भी हो सकता था, माइनस माइनस का नहीं, गलती नहीं हो, इसलिए अपनी सेफ्टी फर्स्ट. अब ये एलिमेंट जिस रोज का जिस कॉलम का उसको डिलीट मार दीजिए. तो मैं क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहा, फर्स्ट रो को डिलीट मार दी, सेकंड कॉलम आ रहा, सेकंड कॉलम को डिलीट मार दी, तो अब जो दिखा मेरे को वो मेरे ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट हो गई. अब इसका थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस को. ओके, अब ये जिस रो या कॉलम में आ रहा, R1 में आ रहा, R1 डिलीट मार दी और कॉलम 3 बार कॉलम 3 को डिलीट मार दिया, तो क्या बचा,
अपने पास आर टू और सी वन सी टू बचे, आर टू आर थ्री, तो ऑर्डर टू की इनडायरेक्टली बोलो ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट बन गई। अब ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट इज वन थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू वन इज थ्री, वन इंटू टू टू, माइनस टू, अगेन थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस टू इंटू टू फोर, वन थ्री इंटू वन थ्री, टू इंटू वन टू, ओके वन सिंप्लीफाई करें, थ्री माइनस टू इज वन, माइनस टू, नाइन माइनस फोर इज फाइव, ओके एंड वन थ्री माइनस टू इज वन, ओके तो वन इंटू वन वन, माइनस टेन प्लस वन दैट इज प्लस का टू माइनस का टेन दैट गिव्स माइनस एट। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए। अब आप इसको किसी भी तरीके से निकालें, मैंने बोला था स्टार्टिंग में दिया सिक्स वेज, आई कैन एक्सपेक्ट दिस डिटरमिनेंट अलोंग एनी थ्री ऑफ दी रोज और थ्री ऑफ दी कॉलम, पर आप देखेंगे आपका आंसर एक ही आएगा। तो अभी मैंने किसके अलोंग एक्सपेक्ट किया, किसके अलोंग, आर वन के अलोंग, अब किसके अलोंग से सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेक्ट करते, ओके इसके अलोंग एक्सपेक्ट करते, तो एक्सपेंडिंग अलोंग सी टू, आप चाहे जैसे एक्सपेंड करें इसकी वैल्यू सेम आएगी, दैट व्हाई द डिटरमिनेंट इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, द यूनिक वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओके बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सी टू के अलावा एक्सपेंड करते हैं, साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, इसके डिटेल अपन ले लेंगे जब हम लोग इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर का, थोड़ा सा एक बार वापस लिख लेते हैं इसका, सब गलत हो गया, अगेन वन टू वन थ्री वन टू एंड टू वन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड अलोंग सेकेंड कॉलम, माइंड दिस इज सेकेंड कॉलम, ओके सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट और साइन कन्वेंशन माइनस, तो एक्सपेंडिंग अलोंग सी टू टू, इसका पहला एलिमेंट है साइन कन्वेंशन आ रहा माइनस, एंड ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो डिलीट मार दी, सेकेंड कॉलम डिलीट मार दी, जो बचा रहेगा थ्री टू टू थ्री, सेकेंड मैंने एलिमेंट लिया सेकेंड कॉलम का वन, वन जिस रो में सेकेंड रो में, सेकेंड रो को डिलीट मार दिया एंड सेकेंड कॉलम में सेकेंड कॉलम को डिलीट मार दिया, तो मेरे को क्या दिख रहा है वन वन, पहली बार वन एलिमेंट है साइन कन्वेंशन में आ रहा है वन, और हमने सेकेंड रो डिलीट मारी सेकेंड कॉलम मारे डिलीट मारी तो वन वन टू थ्री, एंड लास्ट एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेकेंड कॉलम और थर्ड रो, तो थर्ड रो में साइन कन्वेंशन आ रहा सेकेंड एलिमेंट का माइनस, एलिमेंट अपना वन, अगेन थर्ड रो को डिलीट मार दी सेकेंड कॉलम डिलीट मार दिया तो आपको दिखा वन थ्री वन। अब ये रिड्यूस हो गया डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली आपको मालूम ही है, तो माइनस का टू नाइन, माइनस का फोर वन, थ्री माइनस टू माइनस टू एंड थ्री, ओके टू एंड देन थ्री, ओके माइनस नाइन माइनस फोर इज फाइव, ओके थ्री माइनस टू इज वन, वन इंटू वन अगेन माइनस वन, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, ओके माइनस टू इंटू फाइव माइनस का टेन, प्लस का वन माइनस माइनस प्लस प्लस का वन अगेन माइनस टेन प्लस टू, माइनस टेन प्लस टू वॉट इज माइनस एट, दस डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज माइनस एट। आपने देखा जब हमने आर वन के अलावा एक्सपेंड किया तब भी माइनस एट आया, सी टू के अलावा एक्सपेंड किया तब भी माइनस थ्री आया, अब आप बोले किसके अलावा एक्सपेंड करो, एक और ले लेते लास्ट, ये इनिशियल स्टेप है इस चैप्टर का, फिर आगे बढ़ेंगे।
फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसको इसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इजी भी है, अगर आप एक रिदम में पढ़े तो बहुत इजी है। तो एक और ले लेते, किसका नाम एक्सपेंड करें, टू वी आर फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड अलॉन्ग रो थ्री। अगेन एक बार वापस ले लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आर थ्री, 1 2 1 3 1 2 2 1 3, R3 का मतलब इसके अलावा मैं एक्सपेंड करने वाला, तो ये एलिमेंट को पिक करूंगा, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहे हैं वो डिलीट करूंगा, फिर ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट बनेगी और साइड कन्वेक्शन ले लूंगा। ओके, थोड़ा सा इनको करेंगे, बेसिक स्टेप है बेटा, इसके पहले भी आगे जा नहीं सकते। फिर ये साइड कन्वेक्शन की टेंशन बनो, माइनर एंड कोर फैक्टर, नॉर्मली मैं क्लास में रूटीन पढ़ा रहा था तो पहले माइनर एंड कोर फैक्टर पढ़ा देता, पर अपनी जितनी टेक्स्ट बुक है उस सब में पहले एक्सपेंशन सिखाया गया, एक तरीके से डेटा नहीं वाली बात हो गई। एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट अलॉन्ग R3, R3 के एलिमेंट पे फोकस करें, 2 1 3, इसका साइन आएगा प्लस का, इसका माइनस का, 3। अब ये एलिमेंट का पहली बात साइन, 2 किस रो में, पहली रो को डिलीट मारी, इसको डिलीट मारा, इस कॉलम को डिलीट मारा, क्या दिखा, ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट 2 1। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ओरली हैंडल कर लेंगे। ओके, सेकंड एलिमेंट माइनस, इसका साइन आ रहा माइनस, रो डिलीट की, अब ये किस कॉलम में आ रहा, उसको डिलीट किया तो क्या दिखा, मैंने रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया, 1 3 1 2 1 3 1 2। अगेन थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का साइन प्लस एलिमेंट, अब थर्ड एलिमेंट किस रो में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो अब क्या दिखाई दिया, 1 2 3 1। सिंप्लीफाई कर लेते, अब ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट आ गई, दैट इज 2 2 into 2 4 minus 1 1 2 minus 3। ओके, थोड़ा साइन का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में राउंड हो जाता है, 1 minus 6 2 4 minus 1 is 3, 2 into 3 that will be 6, again 1 2 minus 3 is minus 1, okay, 3 1 minus 6 is minus 5, okay, 2 into 3 6 minus minus plus हो जाएगा, plus का 1, again minus का 15, okay, 7 minus 15 will give you minus 8। तो आपने देखा R1 के अलावा expand किया तब भी minus आया 8, C2 के अलावा एक्सपेंड किया तब भी माइनस 8, और R3 के अलावा एक्सपेंड किया तब भी आया माइनस 8। तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है। वैसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 4 का भी निकाल सकते हैं, पहले डिलीट करेंगे फिर वो ऑर्डर 3 की बनेगी, फिर ऑर्डर 3 से ऑर्डर 2 बनाएंगे, पर ये हमारे स्कोप में नहीं है, हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ ऑर्डर 3 तक की है। फिर इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी डिटरमिनेंट की, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने को। ओके।